अरे एक मिनट आप बैठिए ना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो अमेरिकी बात जस्ट शुरू हो गई। लेकिन बेटी तुम्हें कैसे पता चला ये अमीर है? जब मैं सुबह सुबह उठी तब मैंने देखा ये इंसान स्विमिंग पूल में सूट पहनकर नहा रहा था। लेकिन बेटा स्विमिंग पूल में स्विमिंग सूट पहनती है? बाबा स्विमिंग सूट नहीं, फिर इसने थ्री पीस सूट पहना था। थ्री पीस सूट बाबा? नहीं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये सच है, ये सच है, ये थ्री पीस सूट है। ये देखिए बाबा, ये देखिए, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे जेब में क्या है? नहीं जेब में क्या है दिखाओ। अच्छा जेब में? हाँ जेब। अरे वैसे बंडल, ये बंडल, इसका मतलब है तुम बंडल बाज आदमी हो, तुम अमीर हो, अमीर हो, अमीर हो, अमीर हो। हाँ हाँ मैं अमीर हूँ। आपकी वजह से आज तक मैं गरीब बनता रहा, आपकी वजह से मुझे नहीं बनना है गरीब। बस जय और अमीर। नहीं ये तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ये सब मजाक है? ये तो सिर्फ आप ही मजाक कर सकते हैं क्या? हमने भी मजाक किया है। अरे आप भी लोखंडे जी। अरे आपका मजाक देखकर हमें भी लगा हम भी थोड़ा मजाक कर ले। लेकिन मजाक की बात छोड़िए लोखंडे जी, कल को ये जय सचमुच अमीर निकला तो बहुत हो गया। बस बस करो अब। ऐसे मत कहो, लोखंडे जी को अमेरिका मजाक पसंद नहीं है। अमेरिका मजाक पसंद नहीं है और मजाक में भी अमीरी पसंद नहीं है मुझे, और मजाक में भी मेरा दामाद अमीर हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। अरे नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, आप सीरियस हो गए। सीरियस से याद आया शूटिंग में भी जाना है। हाँ। अच्छा नमस्ते। देखो बच्चों, आप हमारी बच्ची की शादी में आए और हम सबको हंसाया, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। थैंक यू। सुधाकर जाओ उनको गेट तक छोड़ के आ जाओ। खोल दिया ना तो हमारी बर्बादी तो मंडप से ही शुरू हो जाएगी। रमजन जी सब तैयारी हो गई? जी जी क्या है, हम लड़की वाले हैं तो थोड़ी और तैयारी में समय लगेगा। भाई साहब अब आप इसकी टेंशन मत लेना। क्या? नहीं इनके कहने का मतलब यह है कि आप टेंशन मत लेना, आराम से तैयार होना, हम लोग हॉल चलते हैं और मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। जी जी काका काका साई मुझे नहीं भेजे काका। अरे एक तो रोना बंद कर या तो बोलना बंद कर, क्या हो गया? काका काका वो साड़ी का बक्सा तुम्हें जया दीदी को देने वाला था ना, उसका क्या हो गया? सुधाकर क्या कर रहा है तू? काका जया दीदी को जो मैं साड़ी देने वाला था ना, उस साड़ी का बक्सा कहीं मिल नहीं रहा है। क्या मायर की साड़ी का बक्सा गुम हो गया?
गलती तुम करते हो और मुझे धीरे बोलने के लिए बोलते हो। इसका मतलब है कि दीपक ने उसका काम कर दिया। काका, हाँ। मुझे ज्ञानचंद जी मिले थे। ज्ञानचंद जी ने बताया कि मैंने साड़ी का बक्सा जहाँ छुपाया ना वो जगह उचित नहीं है, स्थान बदल दो। तो मैंने साड़ी का बक्सा जहाँ रखा था ना वहाँ से निकाल के दूसरे कमरे में रख दिया। इतने बेवकूफ हो तुम, अब कहाँ रखा है दिखाओ मुझे। हाँ कच्चा। चलो एक मिनट। पूरी बारात का डांस घर में करेंगे आप लोग। अरे भाई, ये बारात का डांस नहीं है, ये तो खुशी का डांस है। एल्बम मिलने की खुशी का डांस। एल्बम मिल गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू अंकल, थैंक यू। उसे बोलो इसने बॉक्स ढूंढा है जी। एक सेकंड, ओए रुक जा। बॉक्स तूने नहीं ढूंढा? नहीं। इसका मतलब वो एल्बम वाला बॉक्स तेरे पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या एल्बम तेरे पास नहीं है, एल्बम हमारे पास नहीं है, तो एल्बम है किसके पास? मालपानी, आई एम सीरियस। वी आर सो सीरियस पीसी। देखो टेंशन नहीं लो, मैं जाके देख के आती हूँ कि एल्बम किधर है। जल्दी देख, जल्दी देख, ये फिर टेंशन शुरू हो गई। अगर किसी को एल्बम मिल गया और किसी ने एल्बम खोल के देख लिया तो हो गई मेरी शादी। अरे अगर बक्सा खोल के देखा तो अंदर की साड़ी देख लेंगे और क्या होगा। नहीं लेकिन काका, देख नहीं सकते, बड़ा अपशगुन हो जाएगा। ये फालतू की बातें मत कर रहे। अरे सच कह रहा हूँ, मुझे खुद माँ बापू जी ने बताई है। क्या? हाँ माँ बापू जी ने कहा है तो फिर बक्सा खोलना नहीं चाहिए। चल चल देख। हाँ। अरे क्या कर रहे हो आप? ये बॉक्स नहीं देख सकते? अरे इसमें छिपाने वाली क्या बात है? मुझे पता है इसमें जया दीदी की शादी के लिए साड़ी है, पर इसे तो मैं ही पहन के जया दीदी से ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। हाँ तो दिखोगी, लेकिन जया की शादी है तो ये साड़ी जया ही पहनेगी। जिद नहीं किया करते। जब तुम्हारी शादी होगी तो सुधाकर तुम्हारे लिए एक अच्छी साड़ी खरीदेगा। क्यों सुधाकर? हाँ इसे भी महंगी खरीद के दूंगा। क्यों, इसके लिए महंगी क्यों? अब रोज भाव बढ़ते ना काका, महंगी हो जाएगी। अब मैं इसे सुरक्षित जगह रख देता हूँ, तुम कहीं भी रख देते हो। हाँ हाँ, जगड़ने का नहीं। चलो काका, एक साड़ी को दो दो ताले? अरे पगले, ये शादी का घर है, लोग आते जाते रहते हैं, और सिर्फ साड़ी नहीं है और भी कीमती चीजें हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं। हाँ हाँ। और क्या है सुधाकर, मैं बेटी का बाप हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, तो ये चाबी का टेंशन अभी तू संभाल तेरे सर पर। वो पगड़ी वाले अंकल है ना, उन्होंने किधर रखेला ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उन्होंने ना अब तक बक्से के अंदर क्या है वो नहीं देखा है, तो हम बचे हुए हैं। आप लोग ना एक काम करो। हाँ। आप लोग सब लोग ना हॉल की तरफ कट लो। अच्छा। तब तक मैं और दीपक ना उस बक्से को साड़ी वाले बक्से के साथ बदल डालेंगे। हाँ? अरे इतना तो मैं कर सकता हूँ यार। दीपक, इस बार अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो तेरा रायता बनाकर पूरी शादी में परोसूंगा मैं। एक मिनट, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो शादी नहीं होगी, और अगर शादी नहीं होगी तो लोग बैठ कर खाना नहीं खाएंगे, और अगर लोग बैठकर खाना नहीं खाएंगे तो ये रायता आप किसे परोसेंगे? तुम्हें सारा रायता तुम्हें खिलाऊंगा। अरे फिर रायता नहीं पीती सर। अरे आप लोग क्यों रायता फैला रहे हो? बक्सा लाना है, मैं ला दूंगा, टेंशन मत लो ना। बाबा नीली साड़ी मिली? साड़ी हाँ, साड़ी मिल गई, सुरक्षित जगह रख दी, अब मेरा टेंशन चला गया। अच्छा आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो चलिए हॉल साथ में चलते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। हाँ, चलिए। अरे तू कहाँ जा रहा है? तुम दोनों जाओ और जल्दी से बॉक्स ढूंढ के लाओगे। अरे जय भाई, डोंट वरी, हम है ना, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरी शादी होगी ना? अरे बिल्कुल होगी भाई, टेंशन मत ले। अरे ये तो है ही, मैं कर दूंगा। अरे मैं हूँ। अरे
आटा? क्या आटे से भी बनाएगी तू? आटा नहीं बोला मैंने, आता बोला। कौन आता? किधर से आता मेरे को बता पहले। अरे ये मराठी शब्द है आता। ये छोड़, इसको कैसे खोलेंगे वो बता। एक काम कर, मोबाइल निकाल और 7 नंबर डायल कर। अरे चाबी से खुलेगा एड़ी? वो ठीक है, लेकिन ये पगड़ी वाले अंकल का कमरा है तो चाबी भी उनके ही पास होगी ना। अरे दीपक तू शेर है, अपना जिगरा दिखा, जा जा के चाबी लेकर आ जा। और मिला उससे नहीं होगा। अरे शेर के मुंह में हाथ डाल दूंगा लेकिन उनके जेब में कभी नहीं हाथ डालूंगा मैं, कभी नहीं। कैसा दोस्त है रे तू, ओवर एक्टिंग की दुकान। तू जय की दोस्ती के लिए ये भी नहीं करेगा? याद रख, जब तक जय भाई की शादी नहीं होगी ना तो तेरी भी शादी नहीं होगी। क्या मेरी शादी का नाम लेके तुम लोग हर काम करवाते रहते हो? इतना स्वार्थी नहीं हो कि मैं अपनी शादी के लिए कुछ भी करूंगा। ये अपने दोस्ती के लिए कर रहा हूँ मैं, जय के लिए कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, जा जा जाके चाबी लेके आ। लेकिन करना क्या था? अरे चाबी ढूंढना, जाना चल चल। हेलो। हाय हैंडसम, वाह शेरवानी में क्या लग रहे हो। वैसे चॉइस बहुत अच्छी है तुम्हारी। चॉइस से याद आया, वो तुम्हारी जया है ना, वो भी काफी खूबसूरत लगती है। बट वन सेकेंड, मुझसे ज्यादा? आई रियली डाउट। I don't believe this, तुम यहाँ पर हो लेकिन हो कहाँ पर? कहाँ पर हो? Oh come on जय, मतलब जिंदगी में तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा? Fine, अभी तो देख सकते हो यार। अमीर कपड़े पहन के क्यों आई यहाँ पर? वन सेकेंड, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने प्यार के लिए ये पूरा गरीबी का नाटक कर रहे हो। ना तो मैं जया से प्यार करती हूँ, ना ही मैं उसके पिताजी से डरती हूँ, समझे? ये डरता मैं भी नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए मुझे वहाँ कोने में लेकर गए थे ना। ओके, वो मैं इसलिए, बिकॉज मैं जया से प्यार करता हूँ। क्यों? क्यों जया से प्यार करते हो तुम? तू वहाँ चल, तू वहाँ चल, वहाँ चल। जय, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। जय मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे प्यार कर लेते ना तो तुम्हें ये जहमत नहीं उठानी पड़ती। ये जहमत ना मैं खुशी खुशी उठा रहा हूँ, और सिर्फ ये क्या, अगर इससे ज्यादा भी मुझे कुछ जय के लिए करना पड़ता ना वो भी कर लेता खुशी खुशी। बस इसीलिए स्कूल से तो मुझे बहुत पसंद। उतर तू, उतर उतर। टेंशन टेंशन है, तू मरवाएगी मुझे, इधर खड़ी रहे। How tacky is all this? जय अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, पता है तुम्हें? बिल्कुल सही कह रही तू। हाँ। लेकिन अगर मैं तुझसे प्यार करता तो शादी भी तुझसे ही करनी पड़ती। Obviously। और अगर मैं शादी तुझसे करता तो उसके बाद मुझे कितनी तकलीफ होती। उससे बेहतर ये तकलीफ है ना यार, एक्चुअली और ये तकलीफ तकलीफ है ही नहीं, ट्रस्ट मी, ये तकलीफ भी बहुत प्यारी तकलीफ है यार। तू जानती नहीं ना जया को। हाँ, बहुत समझदार है ना तुम्हारी ये सो कॉल्ड जया। ये बहुत समझदार है, सच्ची बहुत समझदार है, और सिर्फ समझदार ही नहीं यार, शी इज, या ओके, शी इज द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, इसका मतलब वो मुझसे भी अच्छी है, मुझसे? हाँ, शी इज। ओके, सो मिस्टर जयवीर चोपड़ा, बहुत प्यार है ना आप दोनों के बीच में? वाह, सो दोस्त होने के नाते यू नो इट्स माय ड्यूटी की ये सारी जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूं, राइट? क्या 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 कर रही है? एग्जैक्टली,
What was that metal? What metal? लोखंडे. Correct. लोखंडे. No. Yes. मैं अभी उन्हें जाके सब कुछ सच बता देती हूँ. Don't worry, Jay. Everything will be fine. लोखंडे जी. Where is he? लोखंडे जी. No, Deepika. नमस्ते. नमस्कार. लोखंडे जी आप ही हैं ना? जी मैं हूँ. वो दरअसल मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है. गाड़ी खराब हो गई है? जी. लेकिन यहाँ मैकेनिक तो कोई नहीं. नहीं नहीं नहीं, मुझे मैकेनिक नहीं चाहिए. मेरे ड्राइवर गए हैं मैकेनिक लेके आने के लिए. अच्छा. मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती कि तब तक मैं यहाँ रुक सकती. कैसे है ना बेटी, ये हॉल दिखने में बड़ा है लेकिन शादी गरीबों की हो रही है. तो आपको गरीबों के साथ जमेगा नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब अगर बदबू वगैरह भी आई तो मुझे चलेगा. चलेगा? हाँ. यहाँ पास में अच्छा होटल भी है. वो बंद हो गया. बंद हो गया? हाँ. काका. हाँ. एक मिनट काका. वो हेलो. ये काका क्या हो गया? अरे बाप रे, हेलो. क्या कर रहे? असली असली वाली है. आपका सीरियल बहुत जबरदस्त आता है. क्या काम करती है आप? सीरियल में काम करती जी, है. नमस्ते. काका ये सीरियल में बहुत गरीब बनती है ये. हाँ काका, ये ना अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए नौकरानी का काम करती है. मुझे आपकी मेहनत देखकर ना बहुत दुख होता है. मैं रो पड़ता हूँ. अरे उसमें रोने की क्या बात है? वो सीरियल है, वो सब झूठ होता है. ये सीरियल में गरीब है, असलियत में देखो अमीर है वो. और इनकी एक गाड़ी भी है. हाँ, ड्राइवर भी है और अब एक मैकेनिक भी आने वाला है. क्या है ना बेटा, तुम कहीं भी आसपास जगह ढूंढ लो. अमीरों को तो कहीं भी जगह मिलती है. बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ही ने तो सिखाया है कि मदद मांगने वाले लोग अमीर या गरीब नहीं होते, वो तो सिर्फ इंसान होते हैं ना. और जो लोग इंसानों की मदद करते हैं वो अच्छे लोग कहलाते हैं. हजार पते की बात कही जया दीदी. अब लाख पते की बात होती है ना. नहीं. हाँ लेकिन हम गरीब है ना, तो हम लाख बोलते भी नहीं है, इसलिए हजार पते की. सॉरी. सुधाकर भैया. हाँ? आप इन्हें ना नारियल पानी दे दीजिए और इनका खास ख्याल रखिए. ऐसा समझिए कि ये हमारे ही मेहमान है. ठीक है बेटी. हाँ ठीक है, एक ही देना. हाँ. जय इधर आओ ना एक मिनट. जय ये है दीपिका जी. हाय. नमस्ते. ये पता है सीरियल में काम करती है, इनकी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई इसीलिए थोड़े टाइम के लिए ना हमारी मेहमान. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, हाँ मैं बस अभी आई, एक मिनट. हाँ हाँ. इधर इधर क्या? उधर 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 चल. उधर उधर नहीं, इधर इधर. उधर इधर. कम ऑन यार जी, तुम्हारी शादी है, डांस नहीं करेंगे क्या? चलो. दीपिका दीपिका क्या कर रही हो? दीपिका Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.